हमारी कोशिश है कि वो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। दुनिया के जो सबसे विकसित देश हैं, हमारे देश का ट्रांसपोर्ट सेक्टर, हमारे देश की राजधानी का ट्रांसपोर्ट सेक्टर उसके कंपेरेबल होना चाहिए। दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, उसका एक बड़ा कारण है कि दिल्ली की सड़कों के ऊपर कार और स्कूटर बहुत हैं, प्राइवेट व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर हमें कार और स्कूटर पे ट्रैवल करने वाले लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लेके जाना है तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कंफर्टेबल, सेफ और टाइम के अकॉर्डिंग चले, ये हमें इंश्योर सुनिश्चित करना होगा। सबसे बड़ा रेवोल्यूशन दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में तब आया था जब दिल्ली में मेट्रो शुरू हुई थी। बहुत सारे ऐसे लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं, इवन अपर मिडिल क्लास के भी लोग हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ के और मेट्रो से जाना शुरू किया। इससे दिल्ली की सड़कों पे काफ़ी व्हीकल्स की कमी आई थी। लेकिन धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब मेट्रो को भी 22-23 साल हो गए, 25 साल हो गए, धीरे धीरे दिल्ली की सड़कों पे फिर से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मेट्रो खचाखच भर गई हैं, जिसकी वजह से एक रिपल्सिव इफेक्ट है कि जिन लोगों ने मेट्रो में जाना शुरू किया था, मेट्रो में जगह नहीं मिलती, बैठने की जगह नहीं मिलती, खचाखच भरी रहती है, वो आराम नहीं है, सो वापस लोग अपनी गाड़ियों पे आ गए, वापस लोग अपने स्कूटर पे आ गए। दिल्ली में बसें हैं, दिल्ली की DTC की बसें हैं, क्लस्टर बसें हैं, वो बसेज लोअर मिडिल क्लास तक इस्तेमाल करते हैं लोग। बसेज AC बसेज भी हैं, लेकिन बसेज में सीट की कोई गारंटी नहीं है, वो वाला कंफर्ट नहीं है जो एक अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास एक्सपेक्ट करता है। उसको देने के लिए एक स्कीम के ऊपर हम पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं। प्रीमियम बसेस हम लाने की कोशिश कर रहे थे दिल्ली में। ये अपनी तरह का पहला एक्सपेरिमेंट है पूरे देश के अंदर। इस तरह की प्रीमियम बसेस पूरे देश में कहीं, एक स्कीम के तहत कहीं नहीं चलाई गई हैं। इसको एक स्कीम बनाई है हमने, दिल्ली मोटर व्हीकल्स लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेट प्रीमियम बसेस स्कीम, एग्रीगेटर, तो प्रीमियम बसेस के एग्रीगेटर स्कीम हम लेके आ रहे हैं। ये प्रीमियम बसेस जो हैं, ये कंफर्टेबल होंगी, 2x2 की बसेस होंगी, एयर कंडीशनड होंगी, इनके अंदर बसों में वाईफाई होगा, GPS होगा, CCTV होगा, पैनिक बटन होगा, और सीट की बुकिंग जो है वो ऐप बेस्ड या वेब बेस्ड होगी। कोई भी खड़ी सवारी अलाउ नहीं की जाएगी, आपको शर्तिया तौर पे सीट मिलेगी। इस किस्म की स्कीम पहली बार लाई जा रही है और इसमें हमारा मकसद पूरा का पूरा ये है, ये टारगेट किया जा रहा है मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को, जिनकी पेइंग कैपेसिटी है, जो अपने कंफर्ट के लिए पे कर सकते हैं, रोज अपनी कार लेके जाते हैं, कार का पेट्रोल खर्च करते हैं, लेकिन अगर उनको ऑप्शन मिलेगा कि एक बस है जो कि कंफर्टेबल है, तो हो सकता है, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी कार छोड़ के और बसेस की तरफ शिफ्ट करेंगे। इसमें 3 साल से पुराना व्हीकल अलाउ नहीं किया जाएगा। जो बसेस लेके आएंगे वो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, CNG होंगी, लेकिन 1 जनवरी 2024 के बाद की जो भी बस खरीदी जाएगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होनी जरूरी है। इसमें जितनी बसें होंगी, बस की इसमें लाइसेंस दिया जाएगा एक एग्रीगेटर को, और वो लाइसेंस फीस उसको देनी होगी, लेकिन जो इलेक्ट्रिक बसेस लेके आएगा उसकी कोई लाइसेंस फीस नहीं होगी। दिस इज जस्ट टू इनकरेज दैट मोर एंड मोर पीपल शुड कम विद इलेक्ट्रिक बसेस। कोई भी बस जो है उसमें कम से कम 12 सीटें होनी चाहिए, 2x2 की कम से कम 12 हों, उससे ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं। एक एग्रीगेटर कम से कम 50 बसेस, लाइसेंस मिलने के बाद, लाइसेंस अप्लाई करेगा, लाइसेंस मिलेगा, लाइसेंस मिलने के 90 दिन के अंदर उसको कम से कम 50 बसेस ऑपरेट और मेंटेन करनी होंगी। सबसे खास बात इस स्कीम की यह है कि रूट्स हम नहीं देंगे, रूट्स एग्रीगेटर हर बस के खुद डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ जहां ज्यादा ट्रैफिक है वहां पे ज्यादा बस चलेंगी। तो ऑब्वियसली जहां वहां ज्यादा बस चलेंगी तो वो ट्रैफिक को ईज होने में मदद मिलेगी।
तो वो रूट्स खुद डिसाइड करेगा, खुद सेलेक्ट करेगा, हमें इन्फॉर्म कर देगा, दिल्ली सरकार को केवल इन्फॉर्म करेगा। फेयर भी वो खुद डिसाइड करेगा, मार्केट डिसाइड करेगी फेयर। हमारी एक ही शर्त है कि डीटीसी का जो फेयर है उससे ज्यादा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि डीटीसी से कम फेयर, इसके डीटीसी से ज्यादा फेयर होना चाहिए, बाकी उसका जो भी है जो मार्केट फेयर देने के लिए तैयार है वो फेयर चार्ज कर सकता है। जैसे मैंने कहा केवल मोबाइल से या वेब बेस्ड बुकिंग होगी, ऐप बेस्ड या वेब बेस्ड बुकिंग होगी, सीट्स आपको शर्तियां मिलेगी और सारी पेमेंट्स डिजिटली करनी होंगी। ये सारी बसेस इनका एक लोगो और एक यूनिफॉर्म कलर कोड वगैरह हम कर रहे हैं, और बस के अंदर एग्रीगेटर जो है वो अपना एडवर्टाइज कर सकता है और उस एडवर्टाइजमेंट से बस के अंदर वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है। इस स्कीम को आज हम एलजी साहब के पास भेज रहे हैं। जैसा आप लोग जानते हैं दिल्ली की जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है, एलजी साहब को ये तय करना है कि वो इस स्कीम को राष्ट्रपति को रेफर करेंगे या दिल्ली सरकार को आगे बढ़ने की इजाजत देंगे। दिल्ली सरकार ने अपनी स्कीम फाइनल कर दी है, अब ये राष्ट्रपति इनके पास जाएगी, एलजी साहब के पास। एलजी साहब या तो इसको राष्ट्रपति को, अगर असहमत है तो राष्ट्रपति को रेफर करेंगे, पर मुझे उम्मीद है कि पब्लिक वेलफेयर की स्कीम है वो क्यों करेंगे। दूसरा, एलजी साहब से आने के बाद इस स्कीम को हम पब्लिक फीडबैक के लिए, हम इसको एक महीने के लिए वेबसाइट पे डालेंगे ताकि जनता जो भी फीडबैक देना चाहे जनता फीडबैक दे, और जनता के फीडबैक के आधार पे अगर कुछ माइनर चेंजेस इसके अंदर करने हुए तो चेंजेस करके इसको जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। मैं समझता हूं कि ये दिल्ली दिल्ली नहीं पूरे देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अगर कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो ये उससे अलग है। मोहल्ला बसेस तो हम ही चला रहे हैं, सरकार चला रही है, ये सारा का सारा प्राइवेट है। हमने तो एक स्कीम बना दी, अब स्कीम में जो भी आएगा वो चलाएगा इसको। महिलाओं के लिए अलग से नहीं है, मार्केट ड्रिवन है। देखिए, हम शुरू से कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर कोई भी किसी तरह का कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, पूरे देश को आम आदमी पार्टी पे और उसके नेतृत्व की ईमानदारी के ऊपर कट्टर भरोसा है। उसको छवि को खराब करने के लिए ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया जिसका नाम इन्होंने दिया दिल्ली शराब घोटाला। इसमें क्या आरोप लगाया इन्होंने? इन्होंने आरोप लगाया कि कोई साउथ लॉबी है, उस साउथ लॉबी ने आम आदमी पार्टी के लोगों को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। ये एक आरोप बीजेपी वालों ने लगाया। सीबीआई और ईडी ने भी कोर्ट में कहा है और उन्होंने माना है कि 100 करोड़ में से 70 करोड़ का उनके पास कोई सबूत नहीं है। वो खुद कह रहे हैं कि 70 करोड़ का उनके पास कोई सबूत नहीं है। 30 करोड़ रुपए इन लोगों का कहना है, कोई राजेश जैन है कि राजेश जोशी, कोई राजेश जोशी 30 करोड़ रुपए साउथ से लेके दिल्ली लेके आया और दिल्ली में उसने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को ये 30 करोड़ रुपए दिए। ये सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया। ये बस इनके पास यही सबूत है कि किसी ने गवाह ने गवाही दी है कि राजेश जोशी 30 करोड़ रुपए। अब 6 मई को जो कोर्ट का ऑर्डर आया, उस कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है कि राजेश जोशी एक भी पैसा लाने का कोई सबूत नहीं है कि राजेश जोशी कोई एक भी पैसा साउथ लॉबी से लेके दिल्ली में लेके आया। 30 करोड़ तो दूर की बात है। तो जब राजेश जोशी एक भी पैसा लेके नहीं आया, साउथ वालों ने पैसा दिया नहीं, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को पैसा मिला नहीं, तो सारा का सारा केस तो खत्म हो गया। इसका केस क्या बचा? ना रिश्वत ली गई ना रिश्वत दी गई। कोर्ट के उसमें साफ साफ राजेश जोशी को जो बेल मिली है वो इसी आधार पे मिली है कि राजेश जोशी साउथ वालों से कोई पैसा लेके आया, इस बात का कोई सबूत नहीं है, तो सब खत्म हो गया। दूसरा आरोप इन्होंने ये लगाया कि 100 करोड़ रुपया जो ये रिश्वत ली गई ये गोवा के चुनाव में खर्च की गई। गोवा में आम आदमी पार्टी ने जितने लोगों से काम कराया, पर्चे छपवाए, होर्डिंग लगवाए, जो भी जितने वेंडर्स थे हमारे सारे वेंडर्स पे रेड मार ली इन्होंने सीबीआईडी ने पिछले 6 महीने में, सबको गिरफ्तार कर लिया। सारी जांच वांच गोवा के चुनाव की करने के बाद अब ईडी और ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि कुछ
19-20 लाख रुपए आम आदमी पार्टी ने कैश में खर्च किए। ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए ईमानदारी का सर्टिफिकेट है। सीबीआई और ईडी का कहना है कि पूरे गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने केवल 19 लाख या 20 लाख के करीब रुपए कैश में खर्च किए, बाकी सारे चेक में खर्च किए। 100 करोड़ तो बहुत दूर की बात। तो ऐसी कौन सी पार्टी है इस देश के अंदर जो केवल 19 लाख रुपए एक स्टेट के चुनाव में कैश में खर्च करती है? तो सीबीआई और ईडी ने तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया आम आदमी पार्टी को कि केवल 19 लाख रुपए, उसका भी अकाउंट वगैरह मांगेंगे तो दे देंगे, 19 लाख रुपए केवल कैश में खर्च किए। वहां भी कुछ नहीं, ना रिश्वत आई, ना रिश्वत खर्च हुई, ना रिश्वत ली गई, ना रिश्वत दी गई। तो बेसिकली एक कहानी बनाई गई, उस कहानी को प्रधानमंत्री जी की तरफ से सीबीआई और ईडी को दिया गया और कहा गया कि अब इसके इर्द गिर्द सबूत मैन्युफैक्चर करो, एविडेंस मैन्युफैक्चर करो। ईडी ने जाके कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन तोड़ दिए। बाद में जांच करने पे पता चला कि 14 के 14 फोन तो हैं, उनमें से 5 फोन तो इन्हीं लोगों के पास हैं। तो झूठ बोला ईडी ने, ईडी पे मुकदमा चलना चाहिए झूठ बोलने का। झूठ बोल के मनीष सिसोदिया की बेल नहीं होने दी। ईडी ने चार्जशीट फाइल की जिसमें कहते हैं संजय सिंह का नाम डाल दिया चार्जशीट के अंदर। जब संजय सिंह ने धमकी दी मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा तो कहते गलती हो गई जी, गलती से नाम आ गया संजय सिंह का। गलती से अनुराग ठाकुर का नाम नहीं आया, गलती से संबित पात्रा का नाम नहीं आया, संजय सिंह का नाम कैसे आ गया? तो गलती से थोड़ी आया, प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला कि संजय सिंह का नाम डालो, उन्होंने संजय सिंह का नाम डाल दिया। उनको उनको ये भरोसा नहीं था कि संजय सिंह ईडी को भी धमका देगा। ईडी पूरे देश में नोटिस जारी करती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गीली हो जाती है। संजय सिंह ईडी को नोटिस जारी करते हैं और जब ईडी को नोटिस जारी करते हैं तो ईडी की पैंट गीली हो जाती है। तो ईडी ने कोर्ट में जाके कहा कि संजय सिंह के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, संजय सिंह का नाम गलती से आ गया। फिर 5 कम से कम ऐसे गवाह हैं जिन्होंने कोर्ट में कहा कि हमसे मारपीट की गई, हमसे प्रताड़ना की गई, मानसिक तौर पर प्रताड़ित करके हमको झूठे बयान दिलाए गए। वो अपने बयान से पलट गए। एक आदमी का तो इतको तो इतना मारा कि उसका कान का पर्दा फट गया। ये जांच हो रही है, ये चल क्या रहा है? अब ये कोर्ट के आदेश के बाद तो साफ हो गया, ना किसी ने रिश्वत ली, ना किसी ने रिश्वत दी, ना कोई पैसा आया, ना कोई पैसा खर्च हुआ। तो कौन सा शराब घोटाला? पूरा का पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है, केवल केवल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। कर लें, उनका तो मकसद ही है। वो तो अभी कल मैं सत्यपाल मलिक जी का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगले चुनाव के पहले ये केजरीवाल को भी गिरफ्तार करेंगे। कर लें, केजरीवाल बहुत छोटी चीज है, पूरा देश देख रहा है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी की ईमानदारी के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रश्न खड़े होने लग गए हैं, इतने घोटाले अडानी का ये वो, इतने घोटाले के आरोप उन पे लगने लग गए हैं, तो उनको केजरीवाल आंखों ने सुहारा। उनको पूरे देश के अंदर अगर कोई ईमानदारी की बात करता है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बात होती है। वो हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, रोज कीचड़ उछाल रहे हैं। तो गिरफ्तार करना चाहते हैं, करें। वो धमकी क्यों दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगला नंबर केजरीवाल का है। इससे तो ये साफ हो जाता है कि ईडी को और सीबीआई को यही चला रहे हैं। वो कैसे कह सकते हैं कि अगला नंबर केजरीवाल का है? सीबीआई ने उनको बताया कि उन्होंने सीबीआई को बताया? सीबीआई को बीजेपी चला रही है, जैसा मैं कह रहा था। ये तो साफ जाहिर है, बीजेपी बता रही है उनको कि अगला नंबर केजरीवाल का है, पकड़ लो अब इसको। और सीबीआई पकड़ लेती है, फिर सबूत इकट्ठे करती है कि केजरीवाल को फंसाने के लिए सबूत कहां से। मणिपुर में अभी 4 बच्चे हमारे दिल्ली के फंसे हुए हैं और उनसे मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बात की और उनको लाने का हम इंतजाम कर रहे हैं, फ्लाइट टिकट्स का अरेंज कर रहे हैं, वो उनको पहुंचा देंगे। आज शायद कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, कल फ्लाइट अवेलेबल है तो कल उन बच्चों को ले आएंगे। बच्चे सेफ हैं, अभी अपने हॉस्टल में ही हैं और मैं अभी थोड़ी देर में मणिपुर के सीएम साहब से भी बात करूंगा इस बारे में। अपने 4 दिल्ली के बच्चे हैं। थैंक यू।